भाइयों नमस्कार। 9 अक्टूबर 2024 से गुरु की वक्री चाल 4 फरवरी 2025 तक क्या गुल खिलाने वाली है, क्या कुछ देने वाली है मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत आज के वीडियो में बहुत कम समय में सारांश रूप में आपको बताने वाला हूँ मेष राशि वालों को मिलने वाले गुरु की वक्री चाल के परिणामों के बारे में। मेरे भाइयों मेष राशि में द्वितीय भाव में गुरु का गोचर वक्री गति से क्या देने वाला है, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। इकोनॉमी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे परिणाम और जीवन का कोई भी क्षेत्र हो हर जगह लाभ ही लाभ दिखेगा, यानी आपके कोई भी काम पेंडिंग में नहीं जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी, आमोद प्रमोद के साधन बढ़ेंगे। अब मेष राशि जिनका अश्वनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, मेष राशि तो है लेकिन जन्म नक्षत्र है अश्वनी, उनको क्या मिलने वाला है। तो बहनों भाइयों 28 नवंबर तक का समय पीछे से चला आ रहा है, ये 28 नवंबर तक का समय थोड़ा सा अशांति पैदा करने वाला है, रिश्तेदारों के बीच में दूरियां बढ़ाने वाला है, बेवजह की शत्रुता बढ़ाने वाला है। लेकिन 28 नवंबर के बाद का समय बहुत ही अच्छा है हर दृष्टिकोण से। अब जिनका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए 28 नवंबर तक का समय बेहद अच्छा है और उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियां रहने वाली हैं। और कृतिका नक्षत्र प्रथम चरण का जिनका जन्म है उनके लिए 28 नवंबर तक बहुत अच्छा है और उसके बाद भी बहुत अच्छा है, खास तौर पर धनार्जन की दृष्टिकोण से, यानी फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर, फाइनेंशियल स्टेटस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ प्रेम से एक बार बोलिए जय माता की।